खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है। 2022 मिशन को लेकर मुख्य चुनाव आयोग ने घोषणा जारी कर दी है। 7 चरण में होने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा अन्य व्यवस्थाओं में चुनाव आयोग जुट चुका है। बात करें 2022 की, तो 2022 में सभी पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तत्पर हो चुकी हैं और विभिन्न पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन हम बात करते हैं ललितपुर यानी 226 विधानसभा ललितपुर क्षेत्र की और 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र की। आज ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हम आपको 226 विधानसभा ललितपुर के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उस सरकार के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों ने ललितपुर विधानसभा के अंतर्गत जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन के माध्यम से अपने आवेदन दिए। उन आवेदन के क्रम में कुछ ऐसे नाम अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिनकी संभावना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जता रहे हैं कि संभवतः इनको टिकट मिलेगी। उसी क्रम में हमारे ललितपुर जनपद के ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जैन MD, जिनको हम कम शब्दों में बात करें तो किसी भी प्रतिष्ठा से और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपकी चिकित्सा सेवा हो या आपका सोशल वर्कर, हर कार्य क्षेत्र में आप बढ़ चढ़कर अंतरंग से सेवा करने का भाव रखते हैं। आपका परिवार समाज सेवा के क्षेत्र में उन गिनतियों में गिना जाता है जो गिनती शुभारम्भ होती है। ऐसे हमारे सतभैया परिवार के डॉक्टर राजकुमार जैन MD, जो एक चिकित्सक के साथ साथ पार्टी की सेवा करने का अपना संकल्प ले चुके हैं और विगत कई समय से अनवरत पार्टी के संदेशों को जन जन पहुंचा रहे हैं और समाज सेवा के माध्यम से मजलूम और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। 2020 का माहौल हो या 2021 का माहौल हो, इन्होंने कोरोना महामारी पर प्रवासियों को और भी अनेक सेवा के माध्यम से उनके बीच में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उनको सुरक्षित रखने में अपना चिकित्सक पेशा का दक्षता का योगदान दिया और समय समय पर सर्दी के मौसम में कंबल वितरण होना, गरीबों की फीस भरना और उन मेधावी छात्रों का सम्मान करना जो पढ़ाई के क्षेत्र में अपनी दक्षता रखते हैं। डॉक्टर राजकुमार जैन अपनी आदतन सेवा करने का भाव नहीं भूलते हैं। इन्होंने अपनी सेवा करने के साथ साथ राजनीति में इस बात को संकल्प लेकर उतरे हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना अनिवार्य है। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं, धनवंती और अन्य चिकित्सा सेवा के संगठन के मुख्य पदाधिकारी हैं। आप पदाधिकारी होने के साथ सहज, सरल और हसमुख सुझाव के हैं। जो भी मरीज आपके पास आता है, आपकी मुस्कान देखकर ही आधे रोगों को भूल जाता है। बाकी आपकी चिकित्सा सेवा और आपकी दवाई, जीवन रक्षक दवाइयाँ पाकर वह स्वस्थ हो जाता है। उस दौर में डॉक्टर राजकुमार का नाम बहुगात संख्या में चला जब कोरोना महामारी के दौर में इंसानी जिंदगी मौत के आगोश में समा रही थी। आपके परामर्श व आपकी चिकित्सा सेवा उन मानवीय जिंदगियों को बचाने में कारगर सिद्ध हुई। तो हम बात कर रहे हैं ललितपुर विधानसभा की, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार जैन ने अपना आवेदन दिया और आज आवेदन देने के उपरांत वह अपने क्षेत्र में अनवरत भ्रमण कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना और क्यों आवेदन दिया, और अगर संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको जिम्मेदारी देता है, उम्मीदवार बनाता है ललितपुर विधानसभा का, तो आपका विकास का क्या एजेंडा रहेगा और किस तरह से आप अपनी यात्रा विधानसभा चुनाव में, चुनावी समर में करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर राजकुमार, जुड़िएगा ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार और ललितपुर लाइव टीवी के बीच। डॉक्टर राजकुमार जी, आपका ललितपुर लाइव टीवी में स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी
के उम्मीदवार के तौर पर आवेदन दिया। आवेदन की संख्या बहुत है, फिर भी आपने आवेदन दिया। तो सबसे पहला प्रश्न जनता की ओर से है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए रवि जी, मैं जब से मैंने कहा होश संभाला है, मैं भाजपा की विचारधारा से ही बहुत प्रभावित हूँ और मेरी एक ही विचारधारा हमेशा रही है। और भाजपा तो अभी बनी, उसके पहले जब मैं 1977 में जनता सरकार बनी थी, मैं उस समय से उन नीतियों से प्रभावित रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होकर के भाजपा का गठन हुआ और भाजपा की विचारधारा से, और आज पहले अटल बिहारी जी, फिर उसके बाद अब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैंने पिछले 30 वर्षों से चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं ज़िले को, आसपास के सभी क्षेत्रों को। और अब मैं अपने एक जो दूसरा गुण मेरे अंदर है, नेतृत्व की क्षमता मेरे अंदर, जो मेरा विज़न है, मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं चाहता हूँ उसका फ़ायदा आम जनता को पहुँचाऊँ और अपने जीवन को सफल बनाऊँ। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो विधानसभा में आपको चुनावी समर में उतारती है, तो आपका विकास का क्या एजेंडा रहेगा जनपद ललितपुर के लिए? देखिए रवि जी, मैं पिछले 30 सालों से इस ज़िले में, मैं तो वैसे मूल निवासी हूँ ज़िले का, लेकिन अभी जब मैं अपना MD करने के बाद यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस शुरू की 30 वर्षों में, तो मैंने जो देखा यहाँ उतना विकास अपेक्षित जो था वो नहीं हुआ है, और हमारा जनपद आज भी पिछड़े ज़िले के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर है ये, राजनीतिक दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश में है, वैसे भौगोलिक दृष्टि से तो ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये उपेक्षा का शिकार चूँकि बहुत एक अंतिम छोर पर बसा हुआ जिला है, और यहाँ की जनता बहुत ही मतलब कहते हैं सी जैसे ना सरल व्यवहार की जनता है, संतोषी जनता है यहाँ की। और कुछ नीतियों का यहाँ पर, जो योजनाओं का पूरा फ़ायदा हमारे नेता यहाँ नहीं दिला पाए, ये सरकार की योजनाएँ पूरी तरह से यहाँ लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण से यहाँ का विकास नहीं हो पाया। मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इस काम को, हम इस में आगे आएँ और अपने जनपद का विकास करें। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे इस 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाती है, तो मैं जनता के बीच जाके अपने सभी शुभचिंतकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बहुत बड़ी सफलता भाजपा को दिलाऊंगा, और जनता के विश्वास को अपने कार्यों में परिलक्षित करूंगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप चिकित्सक हैं और बेहतर चिकित्सक हैं, MD हैं, आपके क्षेत्र में अनेक ऐसे सामने हुए हैं माहौल के, तो ललितपुर जनपद में एकमात्र इकलौता जिला हॉस्पिटल है, और चूंकि 12-13 लाख की पॉपुलेशन है जनपद में, और ललितपुर विधानसभा की बात करें तो उसमें आपको ऐसा क्या अभाव लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप विकास कर सकें पार्टी के सहयोग से? देखिए अभी ये 15 लाख की जनसंख्या हमारे ज़िले की दोनों सीटों की मिला करके होती है, और 15 लाख की जनता के हिसाब से बहुत बड़ा अस्पताल हमारे शहर में बना हुआ है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग के साथ भी ये प्रभावी नहीं हो पा रही जनता की सेवा। क्या कारण महसूस करते हैं? कारण जैसे पिछली बार कोरोना में भी इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ, आखिरी समय में जब इसका उपयोग हुआ तब इसने बहुत लोगों की जान बचाई भी। हम लोग लगातार मांग करते रहे सांसद जी के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से, किसी तरह से मांग करते रहे कि इस सरकारी अस्पताल को जनता के लिए दिया जाए, या हमारे नगर में आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई कोविड सेंटर के नहीं होने से हमारी जनता बहुत ही परेशान हुई और लोगों को झांसी जाना पड़ा। आप क्या महसूस करते हो, भारतीय जनता पार्टी से आप विजय होते हैं तो आपको किस तरह की एजेंडा है विकास करने की चिकित्सा के क्षेत्र में? देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में तो यहाँ इतनी सारी कमियाँ हैं, मैं एक चिकित्सक के रूप में जानता हूँ, मैं भी अपनी विधा का जो है जितना अपनी विधा में माहिर हूँ उतना ही मैं विकास में भी माहिर हूँ। मैं मेरे अंदर वो दृष्टिकोण है, मेरे अंदर वो विज़न है, इसीलिए मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है कि जब मेरे अंदर कोई विज़न है उसको मैं परिलक्षित करूँगा, उसको मैं सामने लाऊँगा, तो मैं अपनी ईमानदार निर्वाध छवि से जनता के बीच, सरकार के पास अपनी यहाँ की योजनाओं को लेके जाऊंगा। और जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ संसाधन तो मौजूद हैं लेकिन उनको उपयोग करने वाले चिकित्सक नहीं है, उसके विशेषज्ञ टेक्नीशियन नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है,
तो ऐसे अकेला हार्ट नहीं, कई क्षेत्रों में जब हम देखते हैं कि हमारे मरीज को छोटी समस्या होती है तो हम लोग असहाय महसूस करते हैं और हमको रेफ़र करना होता है, और मरीज़ गरीब बहुत है यहाँ का, आप समझते हैं एक बार बीमारी आने पे कितना मरीज़ के ऊपर आर्थिक क्षति होती है मरीज़ को, जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है। या आप देख रहे हैं आपदा का दौर है, किसान कितना परेशान है, आप समझ रहे हैं कि साल की दो फसल होती, दोनों फसल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रातिक, मैं कई सालों से देख रहा हूँ और बहुत दुखी द्रवित होता हूँ इस चीज़ को देख करके, जब पानी अभी बेमौसम पानी गिरा, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता, तो हमारे यहाँ का किसान भी जैसे और जगह, मैं ये नहीं कह रहा सब जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान बहुत गरीब है, उसका यही आय का स्रोत है। कि आप ग्रेजुएट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फिर से चिकित्सक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र की क्या विकास धारा जुड़ी आपने अपनी? शिक्षा में देखिए पहले तो बहुत कॉलेज नहीं हुआ करते थे, एक नेहरू कॉलेज था, एक आरएमबी था, लेकिन अब कॉलेजेस तो बहुत खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट भी सरकारी भी, लेकिन यहाँ पर ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बहुत कमी है, जो कि लोगों को, बच्चों को, युवाओं को रोज़गार दे सके, रोज़गार परक शिक्षा यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी उस तरह के इंस्टीट्यूट आएँ, हमारा ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, युवाओं यहीं से अपनी शिक्षा लेके और अपना रोज़गार स्थापित कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं मेरे मन में हैं, यहाँ पे मैं आपको इतने समय में इनको नहीं समझा सकता, लेकिन मेरे मन में वो सभी चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य में तो ये बहुत छोटी सी बात आपने कही, विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का माया जो मकड़ जाल है बहुत दुरुस्त है, मतलब दुर्दशा है, इसको आप किस तरह से सुधार लाने में प्रैक्टिकल करेंगे? देखिए हमारे शहर की ही बात करें तो यहाँ की यातायात व्यवस्था एक रोड पर सीमित है, पूरा शहर हमारा एक रोड पर बसा हुआ, जिसको कहते हैं कि स्टेशन से लेकर के और मवेशी बाज़ार तक, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे शहर में और शहरों की और सड़कों की भी है। अब कस्बों में जाएं तो वहाँ भी यही समस्या है, गांव में जाएं तो वही समस्या है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी है, रोड के बगल में नालियाँ अच्छी नहीं हैं। मैं इन बातों पर विशेष गौर करूँगा कि हमारे शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो, हमारे शहर में लोगों को निकलने में जो आज परेशानी, गाड़ियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोड रोड पर बढ़ता जा रहा है, तो गुणवत्तापूर्ण काम हो, और हो सकता है कि कोई और यातायात की हम एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार शहर के अंदर करें, जिससे कि लोगों को शासनादेश के अंतर्गत चुनाव आयोग के निर्देश और शासनादेश के निर्देशों के क्रम में कोरोना महामारी ओमिक्रॉन डेल्टा के जैसे वायरस ने प्रभावी हो चुके हैं, ऐसे में चुनाव जो होने वाला है इसमें आप मतदाताओं के बीच पहुँचेंगे, तो आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और क्या संदेश देंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और जो पहले से मौजूद था डेल्टा वेरिएंट, ये दोनों ने ही इस समय देश के अंदर पुनः वही 1.5-2 लाख केस पर डे, तो आपके डायरेक्ट केसेस हैं जो हिडन केस कहलाते हैं, जिनकी कोई जांच नहीं हो रही है, जो है डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे, तो इस तरह से इस समय 10-15 लाख केसेस रोज ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव को बहुत टाला भी नहीं जा सकता, चुनाव आयोग ने बहुत शासन के साथ मिल करके जो अपना निर्णय लिया है उसमें जो उन्होंने गाइडलाइंस तय करी हैं, तो निश्चित रूप से जब भी चुनाव की तारीखें जो नज़दीक आई गई हैं और जिन भी परिस्थितियों में जो है हमको चुनाव का प्रचार करना होगा, हम पूरे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जनता के बीच जाएंगे, जैसी जो 2 या 2 संख्या तय निर्धारित की गई है, और हम जनता से भी अपील करेंगे कि अपने वोट का ज़रूर उपयोग करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें, दूरी बना करके रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और जो है अपनी दवाएं समय पर लें यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ताकि आप कोरोना के मरीज के संपर्क में आने में जल्दी प्रभावित ना हों। तो इन सब सावधानियों को जनता से भी हम अपेक्षा रखेंगे, अपने सभी राजनीतिक साथियों से अपेक्षा करेंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, वो तो गाइडलाइन सबके लिए एक सी हैं, और अगर चुनाव आयोग ने और सरकार ने फैसला लिया है तो निश्चित रूप से चुनाव तो समय पर होंगे, लेकिन सावधानी के साथ। आप आवेदक हैं और उम्मीदवार के क्रम में हैं, पंक्तिबद्ध हैं, अगर सरकार आपको टिकट देती तो आपके ये विकास विजन जो आपने बताए हैं, अगर सरकार पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के प्रति क्या नज़रिया रहेगा? देखिए रवि, हम तो भाजपा के सिपाही हैं, और जैसे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो देश के सिपाही हैं, चौकीदार हैं, कार्यकर्ता हैं, वही हम लोग जो है ना कमल को जिताना है, हमारा उद्देश्य कमल को, हमारे कोई भी प्रत्याशी हो ये मायने नहीं रखता है, हमारा उद्देश्य सबके बीच जाकर के जनता में विश्वास, जब जन विश्वास यात्रा हुई थी इसी तरह का हम लोग संपर्क बना के जनता के बीच जाएंगे और कमल को जिताएंगे, कमल को भारी मतों से जिताएंगे, पुनः योगी जी को जो है उत्तर प्रदेश में जो है सत्ता दिलाएंगे और
जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि केंद्र में और प्रदेश में एक ही सरकार होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। और अभी जो 5 साल में काम हुए हैं वो भी बहुत काबिले तारीफ हैं, और जो भी हमारे पाइपलाइन में हैं वो सभी पूरे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हमारे साथ थे डॉक्टर राजकुमार जैन, MD, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं और भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अल्प समय में अपनी ख्याति, अपने मापदंडों को मानव सेवा के माध्यम से, अनेक विजन के माध्यम से पूरी की है। ये यात्रा इनकी अनवरत जारी है, क्योंकि आप कहीं से भी अपने आप को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वो देखते ही बनती थी। आप स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक आपकी नेतृत्व क्षमता एक ख्याति प्राप्त हो चुकी है। आप चिकित्सा पेशे में हैं और इतने बड़े हॉस्पिटल को संचालित करते हैं स्टाफ के सहयोग से, और सतरैया परिवार के आप एक रत्न हैं, क्योंकि आप एक इस परिवार से जन्मे हुए हैं जहां पर आपको संस्कार और शिक्षा का शंखनाद आपके मानव जीवन को निखारने में तत्पर है। जैसा कि डॉक्टर राजकुमार जैन के बारे में बात की है कि वो नेतृत्व के बहुत अच्छे धनी हैं, दक्षता है उनके अंदर। किसी विषय को उनने अगर सोचा है तो उसको पूरा करने की ठान लेते हैं, और किसी तरह की परिश्रम में, किसी तरह की मुसीबत में अपने आप को दूर नहीं रखते हैं। आपके नेतृत्व का जो लोहा है उसको भारतीय जनता पार्टी मानेगी जब उनको टिकट देगी। उन्होंने आवेदक के रूप में अपने आप को खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो ललितपुर विधानसभा के अनेक आवेदकों के साथ साथ आप भी अपने क्रम में हैं, लेकिन आपका क्रम क्रमशः अनवरत विजय श्री हासिल करने में तत्पर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है। ललितपुर लाइव TV के माध्यम से आपने डॉक्टर राजकुमार के उस विकास एजेंडे को जाना जो विधानसभा में वह एक प्रत्याशी के रूप में उतर कर आएंगे। ललितपुर लाइव TV से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।